हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चेयर्स इंडिया। फ्रेंड्स, आज मैं जो विस्की लेके आया हूँ ये एक एंट्री लेवल बजट सेगमेंट ब्लेंडेड स्कॉच विस्की है। मेरे काफ़ी सारे दोस्त मुझे कह रहे थे कि इस विस्की का रिव्यू कर दो। फ्रेंड्स, सो लो, आज मैं आ गया हूँ ये विस्की लेके जिसका आज हम नोजिंग पैलेट और रिव्यू करेंगे। इन द ईयर ऑफ 1849 इस विस्की को बनाया गया था बाय सर विलियम लॉसन्स। मतलब जब इन्होंने इस विस्की को ब्लेंड किया था तब इस विस्की को खुद का ही नाम दे दिया। 1849 में जब सर विलियम लॉसन एक यूनिक सा विस्की बनाना चाहते थे, एक ब्लेंडेड विस्की जो स्कॉच विस्की से काफ़ी हटके हो, मतलब जिसका जो ट्रेडिशनल टेस्ट है वो स्कॉच विस्की से हटके हो। उस टाइम पे जितनी स्कॉच विस्कीज मार्केट में अवेलेबल थी उन विस्कीज़ में काफ़ी सिमिलरिटी होती थी, मतलब उनके कैरेक्टरिस्टिक्स ऑलमोस्ट सिमिलर हुआ करते थे, जैसे कि स्मोक। सो ऑलमोस्ट ऑल द विस्कीज वर स्मोकी दैट टाइम। बट उस टाइम पे सर विलियम लॉसन्स ने कुछ अलग हटके बनाने का सोचा, मतलब ऐसा विस्की जो ब्लेंड किया जाए और उसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो नॉर्मल किसी और स्कॉच के साथ मैच ना हो पाए। इसी वजह से कड़ी मेहनत के बाद इन्होंने एक विस्की को ब्लेंड किया जिसमें स्मोक बिल्कुल भी नहीं था, कम्प्लीटली फ्रूटी विस्की था। बहुत टाइम गया इस विस्की को पॉपुलरिटी मिलने में, लेकिन आज इस विस्की को वर्ल्ड्स टॉप फोर्थ बजट सेगमेंट विस्कीज में गिना जाता है। फ्रेंड्स, क्यों ये इतनी पॉपुलर है, इवन इंडिया में भी काफ़ी ज़्यादा इसको पसंद किया जाता है, इसके पीछे क्या रीज़न है? सबसे पहला जो रीज़न है ये इसका प्राइस। ये काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में आती है। मैं मुंबई महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ, यहाँ पे जनरली विस्कीज़ का जो रेट है, मतलब जो टैक्स है वो थोड़ा ज़्यादा ही है। फिर भी मुझे यहाँ पे ये मिली है 750 ml की बोतल फॉर ओनली 1600 रुपीज़। जी हाँ फ्रेंड्स, बहुत ही सस्ती, मतलब बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में मुझे यहाँ पे मिली है। आपके स्टेट में शायद इससे भी कम रेट में आपको मिल जाए। फ्रेंड्स, इस रेट में जनरली हम जो इंडियन विस्कीज पीते हैं, ब्लेंडर्स प्राइड हो, एंटीक्विटी हो, सिग्नेचर हो, ऑलमोस्ट इसी रेंज में आते हैं। लेकिन ये जो विस्की है ये कई ज़्यादा बेटर क्वालिटी आपको प्रोवाइड करती है। जो दूसरा रीज़न है इस विस्की के पॉपुलर होने में वो ये है कि इसका ग्रेट टेस्ट, मतलब ये विस्की बिल्कुल भी स्मोकी नहीं है। इंडियन पैलेट जो है ये फ्रूटी विस्कीज को पसंद करता है, मतलब इंडिया के जो लोग हैं वो फ्रूटी विस्कीज को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। फ्रेंड्स, मैं खुद भी फ्रूटी विस्कीज को ही ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, मुझे भी स्मोकी विस्कीज उतने पसंद नहीं है। ये भी एक रीज़न है कि इंडिया में ये बहुत पसंद की जाती है। इस विस्की का जो अल्कोहल स्ट्रेंथ है ये है 42.8%। लेकिन फ्रेंड्स, लेट मी टेल यू, जब मैंने ये विस्की टेस्ट किया तो मुझे बिल्कुल भी उतना बर्न नहीं लगा, मतलब ये बहुत ही स्मूथ विस्की है उसके हिसाब से। फ्रेंड्स, अगर बॉटल की बात करें ये ग्रीन कलर बॉटल में आती है, और जनरली ग्रीन कलर जो होता है बॉटल का, मतलब जो बॉटल्स ग्रीन कलर में सेल की जाती है उनमें जो विस्की रहती है उस विस्की में आइदर कलर बहुत ही कम यूज़ किया जाता है या फिर यूज़ ही नहीं किया जाता। यही रीज़न है कि विस्की का जो कलर होता है वो जनरली लाइट येलो या फिर पेल येलो होता है। तो ये भी ग्रीन कलर की बोतल है, मतलब इस विस्की का जो कलर है वो थोड़ा लाइटिश होने वाला है। हालांकि इसमें थोड़े से आर्टिफिशियल कलर्स यूज़ किए गए हैं लेकिन बहुत ही कम मात्रा में। फ्रेंड्स, ये जो बोतल है आप देख सकते हो ये ब्लेंडेड स्कॉच विस्की है। ब्लेंडेड स्कॉच विस्की और सिंगल मॉल्ट स्कॉच विस्की में क्या डिफरेंस है मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में कवर किया हुआ है, आप आई बटन पे चेक कर सकते हो। इस विस्की को आज के टाइम पे बकार्डी कंपनी ओन करता है। फ्रेंड्स, और एक चीज़ है बहुत ही इंपॉर्टेंट इस विस्की के बारे में, ये विस्की बनती है स्कॉटलैंड में, मतलब डिस्टिल्ड होती है या फिर एज होती है स्कॉटलैंड में, लेकिन इसका जो बॉटलिंग होता है ये इंडिया में होता है। फ्रेंड्स, इंडिया में बॉटलिंग इसीलिए किया जाता है क्योंकि कुछ टैक्सेशन में उनको बेनिफिट मिल सके और ये विस्की इसी वजह से अफोर्डेबल प्राइस में आ जाती है। वैसे कुछ और विस्कीज भी है जो स्कॉटलैंड में बनती है लेकिन इंडिया में उसका बॉटलिंग किया जाता है, जैसे कि एक वैट 69 है मेरे पास। वैट 69 ये जो बॉटल है ये, और टीचर्स भी है, ब्लैक डॉग है, कुछ ऐसे ब्रांड्स हैं जो अपनी विस्की स्कॉटलैंड में बनाते हैं लेकिन इंडिया में इसको बॉटलिंग किया जाता है। फ्रेंड्स, वैट 69 भी इसी के प्राइस रेंज में आता है, लेकिन ये जो विलियम लॉसन्स ये जो विस्की है ये वैट 69 से काफ़ी ज़्यादा मुझे प्रीमियम लगी।
सो आप अगर वेट 69 प्रिफर करते हो सो लेट मी रिकमेंड यू समथिंग, आप इस विस्की को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको ये विस्की पसंद आएगी। इस विस्की के बॉटल पे एक पिक्चर लगाया हुआ है, ये एक आदमी यहाँ पे खड़ा है, आप देख सकते हैं। फ्रेंड्स, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि ये विलियम लॉसन है, मतलब ये विलियम लॉसन का पिक्चर है। सो लेट मी टेल यू, ये विलियम लॉसन का पिक्चर नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ये एक्चुअली एक आई कैन से कि स्कॉटिश हाईलैंडर जो होते हैं, मतलब स्कॉटलैंड के हाईलैंड रीजन से जो ट्रेडिशनल लोग बिलोंग करते हैं उनको डेडिकेट करते हुए ये यहाँ पे पिक्चर दिया हुआ है। सो लेट्स पोर इट इन द ग्लास। इसका कलर आप देख सकते हो, दिस इज लाइट गोल्डन कलर, मतलब पेल येलो जैसा ही है। सो ये इसका, जैसे कि मैंने आपको बताया, इसमें आर्टिफिशियल कलर बहुत कम मात्रा में यूज़ किए गए हैं, तो ये भी एक और अच्छी बात है। और लेट्स नोज इट, लॉट ऑफ फ्रूट्स आई एम गेटिंग, अ हिंट ऑफ हनी, कुछ ड्राई फ्रूट्स नट्स का भी मुझे अरोमा मिल रहा है। स्मोक बिल्कुल भी नहीं है फ्रेंड्स, सो एकदम से नॉन स्मोकी विस्की है, बहुत ही फ्रूटी विस्की है। सो लेट्स टेक इट ऑन द पैलेट नाउ। एक्सीलेंट फ्रेंड्स, दिस विस्की इज एक्सीलेंट इन टेस्ट। इसका जो 42.8% जो अल्कोहल स्ट्रेंथ है उसके हिसाब से पैलेट पे उतना बर्न नहीं है, बहुत ही स्मूथ विस्की है। और इसका जो फिनिश है ये भी बहुत ही स्मूथ है। आई कैन सेंस स्पाइसेस, इंडियन स्पाइसेस ऑन माई पैलेट। स्वीटनेस में थोड़ी कम है, मतलब स्वीट है लेकिन उतनी ज़्यादा स्वीट नहीं है, बहुत ही वेल बैलेंस्ड इसका टेस्ट है, बहुत ही डिलीशियस। इवन आई कैन से इस प्राइस रेंज में इतनी अच्छी विस्की, मतलब मुझे नहीं लगता और कोई विस्की इतना ग्रेट टेस्ट प्रोवाइड कर सकती है इस प्राइस रेंज में। प्राइसिंग की अगर बात करें तो मैंने पहले ही आपको बता दिया कि इसका जो प्राइस है ये है 1600 रुपीज़ इन मुंबई महाराष्ट्र। सो आपके स्टेट में आपको उससे भी कम रेट में ये विस्की मिल सकता है। रेटिंग की अगर बात करें तो काफ़ी सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से मैं इस विस्की को अच्छा रेटिंग देना चाहूँगा, जैसे कि इसका अफोर्डेबल प्राइस एंड ग्रेट टेस्ट, बिल्कुल भी स्मोकी नहीं है। तो अनफॉर्चुनेटली ये जो विस्की है ये उतनी ज़्यादा अभी तक पॉपुलर नहीं हुई है, मतलब लोगों में इसकी अवेयरनेस बहुत कम है। इसी के रेंज में जो अलग विस्कीज आती है, नॉर्मल इंडियन जो ब्लेंडर्स प्राइड या फिर सिग्नेचर्स होती है, लोग वो प्रिफर करते हैं, लोगों को पता नहीं है विस्की के बारे में। सो इसके वजह से ये एक रीज़न है कि मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगा, अगर आप 1500-1600 स्पेंड कर रहे हो सो यू शुड ट्राई दिस वन, यू विल डेफिनेटली लाइक दिस विस्की। सो रेटिंग मैं इसको दूंगा 9.0 out of 10। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स, एंड डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव, ड्रिंक इन अ लिमिट एंड ड्रिंक रिस्पॉन्सिबली। जय हिंद।